नमस्कार फ्रेंड्स, एजुकेशनल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज हम नेट के फर्स्ट पेपर के कंप्यूटर के पार्ट से कुछ आपके सामने इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम देखते हैं, बेसिक से शुरू करते हैं कि कंप्यूटर्स में के पार्ट के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं कि जैसे सीपीयू क्या है। आपको पता होगा कि सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो फ्रेंड, यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का संक्षिप्त रूप है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये था आपका सीपीयू। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आता है आपका रैम। हाँ जी फ्रेंड्स, रैम यह रैंडम एक्सेस मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। सामान्य भाषा में इसे कंप्यूटर की याददाश्त कहा जाता है। रैम की गणना मेगाबाइट्स इकाई से होती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए फिर जानते हैं रोम क्या होता है। ROM फ्रेंड्स, रोम जो होता है यह रीड ऑनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। यह हार्डवेयर का वह भाग है जिसमें सभी सूचनाएं अस्थायी रूप से इकट्ठा रहती हैं और जो कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश देता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं मदरबोर्ड का। तो फ्रेंड्स, मदरबोर्ड का काम यह है, यह सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर के प्रत्येक प्लग लगाए जाते हैं। सीपीयू, रैम आदि यूनिट मदरबोर्ड में ही संयोजित रहती है। ओके फ्रेंड्स, देखिए सीपीयू हो गया आपका, रैम हो गया, रोम हो गया, मदरबोर्ड के बारे में हमने जान लिया। फ्रेंड, अब आते हैं हार्ड डिस्क के बारे में, यानी कि हार्ड डिस्क के बारे में। फ्रेंड्स, इसे कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामों को स्टोर करने का कार्य होता है। फ्रेंड्स, ये आपका हार्ड डिस्क होता है, इसमें आपको प्रोग्राम स्टोर करने का व्यवस्था यही होती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट जानते हैं। वैसे तो फ्लॉपी डिस्क जो है इसको तो अब ज़्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग, ये बेसिक है, जो रूट है जहाँ से कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, कंप्यूटर के पार्ट थे, तो उसके बारे में जानना जरूर चाहिए। पता नहीं क्या क्वेश्चन नेट में उठा दे। तो फ्रेंड्स, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव यह सूचनाओं को सुरक्षित करने या सूचनाओं को का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आदान प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे पहले आज के समय में सीडी रोम डीवीडी होता है, या आपका मेमोरी ड्राइव होता है, पेन ड्राइव होता है, तो फ्रेंड्स उसी तरह से फ्लॉपी डिस्क भी काम करता था। लेकिन क्या था, उनका मेमोरी बहुत कम होता था। तो धीरे धीरे हमने देखा कि टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और फिर नए नए टेक्नोलॉजी के मेमोरी मार्केट में आते गए और हमने उसका यूज करने लगे। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं एक और आपका पार्ट आता है, सीडी रोम। तो फ्रेंड्स, सीडी रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, छोटे से आकार में होते हुए भी यह बड़ी मात्रा में आंकड़ों के चित्रों और ध्वनियों को संग्रहित करने में सक्षम होता है। वैसे इसको कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद आते हैं हम, एक बात करते हैं कीबोर्ड। वैसे सब आपको ये पता है, लेकिन फिर भी हमने एक बार आपको मेमोरी में जो है उसको फिर से एकदम ताज़ा कर देते हैं, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं। फ्रेंड्स, कंप्यूटर की लेखन प्रणाली के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण कीबोर्ड कहलाता है। सामान्यतः 101 कीबोर्ड को अच्छा कीबोर्ड माना जाता है, मतलब 101 जिसमें आपके 101 बटन्स जो होते हैं उसको अच्छा माना जाता है। फ्रेंड्स, उसके बाद आता है, चलिए बताते हैं माउस। आपको पता ही होगा कि इसमें ज़्यादा, इसकी सहायता से स्क्रीन पर कंप्यूटर के विभिन्न प्रोग्रामों को संचालित किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब छोड़ते हैं मॉनिटर के बारे में, आपको पता होगा। साउंड कार्ड यह जरूरी बातों और जानकारियों को सुनने के साथ साथ मल्टीमीडिया के बढ़ते प्रयोग के लिए आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, ये साउंड कार्ड का था। और फ्रेंड्स, चलिए एक अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा मीडियम टॉपिक, कोई बात नहीं, ये कंप्यूटर वायरस पे हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कोड है जिसका उपयोग कंप्यूटर में समाहित सूचनाओं को समाप्त करने के लिए होता है। इसे कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी टेलीफोन लाइन से दुर्भावनावश प्रेषित किया जा सकता है। इस कोड से गलत सूचनाएं मिल सकती हैं, एकत्रित जानकारी नष्ट हो सकती है,
तथा यदि कोई कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़े होने के कारण यह वायरस संपूर्ण नेटवर्क को प्रभावित कर सकता है और फ्लॉपी या सीडी या डीवीडी के आदान प्रदान से ये फैल जाता है एक से दूसरे कंप्यूटर में। ये महीने सालों तक बिना पहचाने गए ही आपके कंप्यूटर में पड़े रहते हैं और इसे क्षति पहुँचाते रहते हैं। इनकी रोकथाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा व्यवस्था विकसित की गई है। कुछ मुख्य कंप्यूटर वायरस के बारे में आपको हम बताना चाहते हैं, जैसे उनका नाम है माइके एंजेलो, और फिर है एक डार्क एवेंजर, फिर एक है किलो फिलिप, फिर एक है सी ब्रेन, फिर एक है बडी। ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर वायरस हैं फ्रेंड्स। चलिए हम बात करते हैं कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, फैक्ट के बारे में, कि कंप्यूटर का आविष्कार कैसे हुआ, किसने किया और कब किया। चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कंप्यूटर्स के फादर जो हैं फ्रेंड्स, ये है चार्ल्स बैबेज। फ्रेंड्स कंप्यूटर्स के फादर हैं चार्ल्स बैबेज को, कंप्यूटर के पितामह कहा जाता है। और फ्रेंड्स वॉन न्यूमैन का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान रहा। ओके फ्रेंड्स, तो समझ लीजिए चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर का पितामह तो कहा जाता है, लेकिन वॉन न्यूमैन का कंप्यूटर्स के विकास में सर्वाधिक योगदान रहा। चलिए फ्रेंड्स तब जानते हैं आगे आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब की गई। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं 1946 में आपको आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद हम जानते हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति ईयर, मतलब 1960 में कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई। और फ्रेंड विश्व के सर्वाधिक कंप्यूटर्स वाला देश, अभी तक विश्व का सर्वाधिक कंप्यूटर्स वाला देश फ्रेंड्स यूएसए है। फिर कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है, फ्रेंड्स कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं, इस बात की जानकारी होना कंप्यूटर साक्षरता होता है। फ्रेंड्स कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स हम बताते हैं कंप्यूटर्स के एक पार्ट से, यानी कि एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को हम लोग फ्रेंड्स BUS यानी कि हम लोग बस कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे हम जानते हैं ICMP का प्रयोग, ICMP का प्रयोग एरर रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है। ओके फ्रेंड्स चलिए फिर हम जानते हैं कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में कौन सा डेट फिक्स किया गया है जब हम कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए 2 दिसंबर, ये लास्ट ईयर का लास्ट मंथ है, तो इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए कि 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे जानते हैं भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई। तो फ्रेंड्स भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा नवंबर, यानी आपको बता दें नवंबर 1984 में की गई। तो भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा नवंबर 1984 में की गई। तो फ्रेंड्स चलिए आगे जानते हैं भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर्स का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स हम बताते हैं आपको, ये है सिद्धार्थ। तो ओके फ्रेंड्स सिद्धार्थ जो हैं वो भारत का निर्मित, भारत में निर्मित सर्वप्रथम कंप्यूटर हैं। और फ्रेंड्स इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। ये भी आपको याद रखना है कि भारत के सर्वप्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है और इनका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। ओके फ्रेंड नेक्स्ट है भारत का प्रथम कंप्यूटरकृत डाकघर कौन था, सबसे पहले जो कंप्यूटरकृत डाकघर किया गया। तो फ्रेंड्स आपको एकदम याद रखना है वो है
आपको न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली बस आपको याद रखना है कैपिटल से, तो ये न्यू दिल्ली से आपका। फिर फ्रेंड्स आगे हम जानते हैं भारत का प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप कहाँ है। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि भारत का प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप मुंबई में है। ओके थैंक्स फ्रेंड्स, हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाते हैं जिसे बहुत सारे कंप्यूटर से रिलेटेड आपको न्यू जानकारियां आपको मिलेंगी। ओके फ्रेंड्स सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको मेरे चैनल्स के न्यू वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग।